जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जब ये विषय आता है कि यक्षिणियाँ ये शक्ति दे सकती है, वो शक्ति दे सकती है, तो एक बहुत ही हास्पद सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने ऐसी यक्षिणियों का बात किया जो आप उसको सिद्ध करो तो आपके साथ पत्नी के रूप में रहेगी, कोई आपको 1,000 सोने का दिनार दे देती है, कोई आपको ऐसी शक्ति दे देती है आप किसी भी चीज़ में सुगंध ला दो। कहने का विषय है कि यक्षिणियों की साधना में जो लाभ दिए हुए हैं सारे ऐसे लगते हैं कि ये सब बात बनाया गया है, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अब बहुत लिमिटेड रिसोर्स में जीते हैं। मैंने जो एक वीडियो बनाया था अभी, साधक कैसे बने, उसमें मैंने बताया कि हम लोगों का टोटल 14 ऑर्गन्स होता है, सेंस ऑर्गन, जिसमें हम सिर्फ 5 का ही प्रयोग करते हैं। किसी को उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा सेंसेशन बोलते हैं, सिक्स सेंस बोलने लगते हैं। तो हमारे आसपास हमारे अलावा भी कई दुनिया चलती है। जैसे एरिस्टोटल ने अपने किताब में ये व्याख्यान किया था कि जैसे हमारा 3 डायमेंशन का यूनिवर्स है, वैसे ही 9 डायमेंशन और सबके परमेंटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग दुनियाएं हैं। तो इसी को एक वर्तमान गुरु ने समझाया कि हम ये जो 9 डायमेंशन है इसमें चौथे महले पे हैं, इसके नीचे जो दुनिया है उसमें ऐसे लोग हैं, ऐसी एंटिटीज़ हैं जो हमसे ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, हम उनसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनके लिए हम देवता हैं या जो भी हैं। और हमारे ऊपर ऐसा 5 डायमेंशन है जो हमसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है और उसके पास हमसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो उसी उन्हीं शक्तियों में एक शक्ति को यक्षिणी माना गया, बोला गया, क्योंकि हर धर्म में, हर रीजन में, हर रिलीजन में अपना शब्दकोश होता है और उसी शब्दकोश से वो शक्तियों को डिफाइन करता है। आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में होते तो इनको एलियन के रूप में, फेरी के रूप में, डीमन के रूप में, इनकी संज्ञा में पाते, लेकिन भारत है तो भारत में हर चीज़ बहुत ही स्पेसिफाइड है सनातन धर्म में। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, वेताल है, कूसमांड है, भैरव है, निम्न कोटि के देवता हैं, उच्च कोटि के देवता हैं। तो सारा जो स्पेसिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन उससे आपको बता दिया जाता है कि ये हायर डायमेंशन है, ये लोअर डायमेंशन। तो हायर डायमेंशन एंटिटीज़ को हम क्यों रखते हैं, लोअर डायमेंशन को क्यों रखते हैं? लोअर डायमेंशन के एंटिटी को तांत्रिक अपने काम के लिए प्रयोग करते हैं, और जो हायर डायमेंशन एंटिटी है उनका प्रयोग होता है कि उनसे ज्ञान अर्जित करना, उनसे ज्ञान पाकर शक्तियों को बढ़ाना। ऐसे ही एक शक्ति की आज बात करेंगे जिनका नाम है भामिनी यक्षिणी। भामिनी यक्षिणी क्या होती है? भामिनी यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी होती है जो दिव्य नेत्र देती है। दिव्य नेत्र का मतलब क्या होता है? जब आप एक नॉर्मल दुनिया को देखते हैं तो आपको 7 रंग दिखता है, और ये रंग आपके आंखों के थ्रू, आपके पीनियल ग्लैंड के थ्रू जब आपके ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचाता है तो वो आपको बताता है कि आपके आसपास ये है, ठीक है। यही जब शक्ति बढ़ जाती है तो आपको इनसे ज़्यादा रोशनी दिखती है, तो इनसे ज़्यादा रंग दिखते हैं, तो फिर आपको दुनिया भी ज़्यादा दिखती है। तो कहते हैं कि इस यक्षिणी की साधना से आपको वो शक्तियाँ मिलती हैं, वो नेत्र मिल जाता है, वो नेत्र पटल आपका खुल जाता है कि आप वो चीज़ें देख सकते हैं जो आम जनमानस नहीं देख सकता है। तो इसको अगर मैं अपने भाषा में समझाऊँ तो जो ब्रेन आपका लॉक है, इस मंत्र के वाइब्रेशन से उसकी कोडिंग खुलेगी और आपका जो देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो आपके देखने का जो आयाम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से इसकी साधना की जा सकती है। अगर सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है तो जिस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुरू होता है उस समय इसका जाप शुरू करना है, और जिस समय वो ख़त्म हो जाता है उस समय इसकी समाप्ति कर देनी है। अगर नहीं है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण और इनकी साधना करनी है तो 3 दिनों तक निराहार होकर, मतलब एक दाना ना आपको भोजन करना है ना फल खाना है,
जल के बारे में इसका जो किताब है उसमें कोई मेंशन नहीं है। तो निराहार का मतलब मैं अन्न से मानता हूँ। तो आहार आप 3 दिन बिना लिए रेगुलर इनकी साधना अगर आप करेंगे तो आपको ये देवी प्रसन्न होकर के ऐसे नेत्र देगी जिससे कि आप इतने प्रभावशाली हो जाएंगे कि आपको जमीन में गड़ा हुआ धन भी मिल जाएगा। जो गड़ा हुआ धन का जो मंत्र होता है उसका अभिप्राय ये होता है कि वो सबसे कठिन चीज है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये इनकी साधना करने के बाद आपके नेत्रों में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना आपका पटल खुल जाएगा कि आप जमीन में गड़ा हुआ धन भी देख पाएंगे। मंत्र क्या है इनका? मंत्र है ओम ह्रीम यक्षिणी भामिनी रति प्रिय स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए, ओम ह्रीम यक्षिणी भामिनी रति प्रिय स्वाहा। इस मंत्र को बिना गिने, बिना किसी फूल धूप दीप नवेद के आपको जाप करना है। अगर भगवती प्रसन्न, देवी प्रसन्न हुई तो आपको दिव्य नेत्र की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का शुरुआती विषय जानना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431185585। उसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जिनको डायरेक्ट बात करना है उसके लिए कॉल मी फॉर ऐप है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रुद्रनाथ @CM4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक लेख के लिए मेरा और मेरे जो मित्र साधक हैं उनके कई लेख मैं प्रकाशित करने वाला हूँ www.agrotantrasya.com पर। इस पर मुझसे जो अपॉइंटमेंट मिलता है उसका भुगतान। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोगों को सुरक्षित रखें। ऐसी मेरी प्रार्थना, आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।